أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم برادراني हमारी गुफ्तुशनीद का सिलसिला चल रहा है मोज़ गुफ्तु है तकलीद कुरान सन्नत वरतरत की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह अलहद ला वाल सिलसिला वार दर्स रोज़ाना के बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है मुस्तफ़ीद करने वाले लोग इन मुस्तफ़ीद कर रहे होंगे और जिनके दिलों को आलम ने दीन के लिए शरीयत के लिए इस्लाम के लिए क़र्न के लिए और फ़िक फिक है दिन के लिए कुशादा किया है और जिनके दिलों के अंदर ईमान मौजूद हैं जो रसूल और आल रसूल की तबाह करने वाले लोग हैं जो खुदावंद मतहल के आपदीद और बंदगी में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं वही लोग कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते से उन्हें हिदायत मिलती है वो हिदायत को अखज कर लेता है उन्हें असूल मिलता है उन असूल को अखज करता है उन्हें फ़ुरो और मसले मसाइल का हल मिलता है तो उन मसले मसाइल को हल करने की कोशिश और काविश करता है और यही हिदायत का रास्ता है एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया को परवरदिगार आलम ने बहुत बरसालत फरमाया ताकि आलम इंसानियत हिदायत की तरफ इरत मनाजिल की तरफ अशफफुलमखलूक़ात के उस आज़ीम तरीन मंजिल की तरफ बढ़े और फरिश्तों से भी आला और उनसे भी अफजल हो तो लिहाजा इंसान अशरफुल अशरफुलमखलोक़ात हैं और अशरफुल अशरफुलमखलूक़ात होने का तकाजा यह है कि वो अपने आप को तकर्रब इलाहीहिी के लिए खुदावंद मुताल के आ, की अबियत और बंदगी के लिए और कुरान से मरबूद रहने के लिए सुन्नत और सरत है हितरत हालमाम से मरबूत रहने के लिए काविश करे कोशिश करे और इस्लाम दुश्मन अनासर कुरान दुश्मन अनासर और दीन मुबीन इस्लाम के कवानी के जो दुश्मन अनासर है उनकी तरफ से होने वाली साजिशों को जो कि किज पर हैं के खिलाफ और इसी तरीके से को आवाम से दूर करने कोमा को से दूर करने इश्तिहाद के उस अजीम तरीन उस रास्ते से आवाम को हटाने और, और मराजन कराम से मुतहद निज़ाम से लोगों को दूर करने की कोशिश की जा रही है इसको समझिए और इसको समझते हुए अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझ कर अपनी शर्ी ज़िम्मेदारी समझ कर अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझ कर आगे बढ़ें और मार्फत हासिल करें दुश्मनी को दुश्मनों की साजिशों को समझ कर उनको पैरों तले रौन दें और कभी भी किसी वक्त दुश्मन आपको आपके ऊपर और आपकी कौम के ऊपर आपके मिलत के ऊपर किसी भी जहत से हमलावर हो सकता है तो लिहाजा होशियार रहिए, है के साथ मरबूद रहिए मुश्तदीन के साथ मरबूद रहिए, रहिएमा किराम के साथ मरबूद रहिए इसलिए कि ये हमारे लिए अजीम तरीन है परवरदिगार आलम की तरफ से हम एलमत के मानने वाले हैं हम के मानने वाले हैं अली का मानने वाला कभी भी जहालत की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हो सकता इसलिए कि परवरदिगार आलम वा अली ने के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हु वसम ने इरशाद फरमाया किमदीन वाल बाबा वमन वा अरादल हिकमत हकमत मिन बाबिहा इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है जो कोई शहर इल्म में आना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ये है कि वो बब इम से एलम के दरवाज़े से दाखिल हो जाए तो लिहाजा हम शहर को भी सर का ताज समझते हैं और शहर के दरवाज़े को भी सर का ताज समझते हैं उन्हीं के हम ाम हैं उन्हीं केमामी में खुदा की बंदगी करने की लजत बहुत अच्छी लजत है और परवरदिम हमें इसी ग़ुली में और परदिगार की अबूदियत और बंदगी में ज़िंदगी गुजारते हुए जीने और परदिगार आलम की अबूदियत और बंदगी में मरने की तोफ़िन फरमाएँ तो गुफ्तु हो रही थी दीन मबिन इस्लाम के अजीम तरीन सरमाया मज सिलसिला जो कि वलायत फ़कीह कहिए या मरज कहिए या मराजन निज़ाम की तकलीद कहिए एक निज़ाम है नबोवत एक निज़ाम है इमामत एक निजाम है और इमामत के की गैबत के अंदर उनके नाइबिन की तरफ रुजू करना उनके नाबिन की तकलीद करना उनके नाइबीन के फतवा के मुताबिक अमल करना ये भी एक निज़ाम है ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इस निज़ाम के साथ मरबूत रहना ये हम सब की जिम्मेदारी है एक दुशवार मसला जो हमें दरपेश है वो ये है कि हम बराह रास्त कुरान को समझ नहीं सकते कुरान की मार्फत हासिल नहीं कर सकते बिल्कुल उसी तरीके से हम बराह रास्त सुन्नत को भी नहीं समझते यानी सुन्नत को हंड्रेड परसेंट समझना हमारे हमारी बस की बात हरगिज़ नहीं जैसा कि मानलखबार की हदीस है इमाम जाफ़र सदर सरत वम अरसाद फरमाता कि حديث تدريه خير من ألف <سؤال> حديث ترفيه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وأن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج يعني مولاي إرشاد فرمت أنه حديث جسكو سمجھ کر بيان جسكي معرفة حسل جسكو और हर सिमत से जिसको जिसकी मारफत हासिल करके जिसमें रिसर्च किया जाए वो एक हदीस बेहतर है उन हज़ार अहादीस से जो ऐसे ही बयान किया जाए यानी सिर्फ हदीस का बयान करना काफ़ी नहीं है बल्कि हदीस को समझना हदीस की मारफत हासिल करना हदीस को मुख्तलिफ समतों में यानी आरावी के अतबार से है कि इसके तमाम रुवात आदिल है सिका है या नहीं है इसी तरह खुद हदीस जो है इसके जाहिर के अतबार से और इसके बातन के अतबार से इसकी मारफत हासिल करना ये हदीस खुद कितने यानी मानी पर मुंतबिक हो सकती है इसको इसकी मारिफत हासिल करना और दिराया रिजाल के तबार से, से इसको सही से इसकी मारिफत हासिल करना ये ज़रूरी है तो ये एक हदीस जिसके ऊपर रिसर्च किया गया हो जिसके तमाम और रुवात के बारे में मालूमात की गई हो जिसके जिस हदीस के जाहिर और बातिन को सही तरीके से समझा गया हो जिसके मफाहिम कितने हैं और वजूहत कितने हैं कितने मानी पर यह मुंतब हो सकती है इसकी रियायत की गई हो ये एक हदीस बेहतर है उन हज़ार अहादीस से जो सिर्फ बयान किए जाते हों और इसी तरह तुम में से इर्शा फिर तुम में से कोई भी उस वक्त तक अहकाम और कवानिन दीन के तबार से आ, के बारे में आलिम और फ़ीर नहीं बन सकता कि जब तक हमारे कलाम से मुख्तलिफ मफाहिम को दरियाफ़त न करें बेशक हमारा हमारे एक जुमले की आ, सत्तर तबीरें होती है यानी देखने तो है देखने को तो सिर्फ़ एक जुमला है लेकिन यही एक जुमला सत्तर तबीरों पर मुश्तमिल है इसके वजूहत है इसकी मानी है मतद्द मानी के ऊपर एक हदीस मुंतब हो सकती है तो लिहाजा इसकी मारिफत हासिल करना यह ज़रूरी है और इन में से हर एक से मतलब निकालने का रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है तो लिहाजा ज़रूरी यह है कि अहादिश की मारिफत हासिल करें अहादिश को समझे और अहादि को सही तरीके से उसकी मारिफत हासिल करें तब जाकर ये हादी का हक अदा होता है और ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है तो लिहाजा एक ग्रोह का ऐसा होना ज़रूरी है जैसे हम मराजीन कहते हैं मुश्हिदीन कहते हैं निज़ाम विलायत कहते हैं निज़ाम विलायत फ़कीह कहते हैं निज़ाम मरजाइत कहते हैं इनका होना और इनकी इतबा करना यह ज़रूरी है क्योंकि हर बंदे के लिए हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कुरान पर कुरान uh, के आयतों पर हदीस पर हदीस के और बातिन के ऊपर हंड्रेड परसेंट वो अबूर हासिल कर सके उसकी मारफत हासिल कर हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है तो लिहाजा ज़रूरी है जो निज़ाम खुदाबंद मुताल ने अम कराम के ज़रिए से और इसी तरह अईम अतः के जरिए से जो निज़ाम किलााही निज़ाम हम तक पहुँचा है परद ग अंदर आ, इमाम जमान जल्ला तरजह शरीफ की रहनमाई में उनके उनकेमूमी जो नाइबिन हैं उनकी तरफ रुजू करने का जो हुक्म है फर्ज और यह हदीसना की रोशनी में आ, इसकी इतबा करना उनकी फतवा पर अमल करना उनकी तकलीद करना यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है और ये हमारी मजबूरी भी है हम खुद कुरान uh, को हंड्रेड परसेंट नहीं समझते हदीस को हंड्रेड परसेंट नहीं समझ सकते मारिफत हासिल नहीं कर सकते इजमा वाकिलसरत इमसम तो साम को सौ फीसद नहीं समझ सकते मारिफत हासिल नहीं कर सकते तो हमारी मजबूरी भी है कि हम तकलीद करें इस एतबार से कि वो मुशतद जाम व शराब हो जैसे कि बहुत सारी रिवायत के अंदर बहुत सारी शराइमा है ये ना हो कि वो मुशतद भी मसला सेहूनीत की तरफ से बनाया गया हो या अमरीका और बरतानिया की तरफ से या मसलन यहूद नसारा की पैदावार हो ये सब मुशतद की तबाह किसी पर वाजिब नहीं है बल्कि वो मुश्तहिद कुरान को सुन्नत को इजमा़िल को सरत आईम मौसम को सही तरीक़े से बेहतर तरीके से तमाम लोगों से यहाँ तक कि तमाम मराज से ज़्यादा आलम हो जानने वाला हो उसकी इत करना उसकी तकलीद करना इस अतबार से कि वो कुरान की रोशनी में फ़तवा दे रहा है सुन्नत और सरत आइमी मौसम मौसुल्य सलाम इजमोल की रोशनी में वो फतवा दे रहे हैं इस एतबार से हम उनकी तगलीद करते हैं और करना करनी चाहिए यह ज़रूरी हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारी मजबूरी है तो लिहाजा ज़रूरी यह है कि निज़ाम की इतवा करें निज़ाम के मुताबिक चलें क़ुरआन ने जो निज़ाम दिया है सुन्नत ने जो निज़ाम दिया है शरीय ने इस्लाम ने दीन ने जो निज़ाम दिया है उस निज़ाम की इतवा करें ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो और आख़रत में भी सरफराज हो परवरदिगार आलम से मेरी दुआाम हम सब को तेरे बदत और बंदगी में जिंदगी गुजारने की तोफ़िनना फरमा बेह के महमद मतरतरीन मरहमतर उ